मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर के बाणगंगा इलाके के कुम्हार खाड़ी में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए सुदर्शन जी 10 साल विधायक रहे, चांदू जी बैठे, कमल जी बैठे, बलजीत जी, सोनू जी, पीनू जी, गुड्डू जी,